हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। चलिए आप मेरे साथ करिए चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए कैसे होगा, रैशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 के नीचे भी 1 लगा देंगे और 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे। रैशनल नंबर कितने निकालना है हमें, हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। टोटल कितने निकालना है, 6। तो हम 3 अपॉन 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, 1 अपॉन 4 अपॉन 1, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा आपको? तो हम दोनों पे जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन 6। तो हमें किनके, इन दोनों के बीच के तो नहीं निकालना है, इनके बीच के 18 से ऊपर वाले नंबर 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 22 अपॉन 6, 23 अपॉन 6 और 24 अपॉन 6। ये हमारे क्या निकल गए, 6 रैशनल नंबर निकल गए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। देखो कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन। बेटा हमें क्या करना है, 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल। तो हमेशा ध्यान रखो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं तो आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 निकालने हैं तो हम 3 अपॉन 5 की डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम इधर भी करेंगे, 4 अपॉन 5 पे भी दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 6 से? अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो 6 से, अगर 10 रैशनल नंबर निकालना है तो 11 से, अगर 20 रैशनल नंबर निकालना है तो 21। यानी जितने भी निकालने हैं उसमें आप एक नंबर फालतू लेंगे और उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा जैसे आप दोनों पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन 30, यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन 30। हमेशा ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जब भी हम कोई रेशनल नंबर निकालेंगे, 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। तो अब 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 के बीच के नंबर हो गए 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। तो रेशनल नंबर निकालने का सिंपल तरीका क्या है, पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसके बाद 5 निकालने तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 की मल्टीप्लाई करें। आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, उसका तरीका क्या है, आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना है क्यू डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन में 0.6 बार, तो देखो कैसे होगा बेटा क्वेश्चन। बेटा कुछ आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, 0.6 बार, और किस फॉर्म में करना है, पी क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। याद रखो इसमें एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0.666। ठीक है, यानी एक बार नंबर पे अगर बार है तो उसी एक नंबर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब ये सिमिलर एक नंबर है ना, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जब भी एक नंबर पे रिपीट हो रहा हो तो हमेशा उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी यहाँ पे 10 × x करेंगे और 0.666 की भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो 10x = 0, क्या बनेगी, 6.66। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आया? तो बेटा हम क्या करेंगे इसके बाद, तो मैंने बताया था एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 666, और इसकी सेकंड इक्वेशन क्या होगी, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमेशा जो सेकंड इक्वेशन से उससे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 0.66 से है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से x से आएगा तो 9x, और यहाँ पे जो नंबर तो सेम उन्होंने काट देंगे, यानी 6 एक्स्ट्रा इसे काट दिया, 6 में शिफ्ट गया 0, 6 में शिफ्ट गया 0, और 6 में 0 जाएगा तो 6 पे आ जाएगा 9x = 6, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 9, और इसकी लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि दोनों नंबर 3 से काटे जा सकते हैं, तो 3 2 6, 3 3 9, तो इसका आंसर आएगा 2/3। ये आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47। देखो इसे कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 0.47 के ऊपर बार, और इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है क्वेश्चन। तो आप देखो 7 के ऊपर बार है, ना कि 47 के ऊपर, ओनली 7 के ऊपर है। जब एक नंबर के बार हो तो उसी नंबर को कॉपी करते हैं, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.4, 7 के ऊपर बार है तो 7 7 7,
इसे थ्री टाइम कॉपी करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और जब एक ही नंबर कॉपी हो रहा होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 10 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.4777 इंटू 10। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.777। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे पहले करा था। देखिए कैसे करेंगे बेटा, तो बेटा जैसे हम ये करेंगे तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 4.777। तो सेकंड इक्वेशन है ये, फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा 10x इक्वल टू 477, और यहाँ पे x तो 10x से x गया 9x, और यहाँ पे 77 तो कट गए, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 0 गया 4, तो ये 4.39 x इक्वल टू 4.3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.3 अपॉन 9, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, तो ये बन गया 43 अपॉन 90। तो पी बाई क्यू की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, पी बाई क्यू की वैल्यू आ गई 43 अपॉन 90। क्वेश्चन समझ आया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.001। देखो कैसे होगा बेटा इस सॉल्व, बेटा क्वेश्चन है हमारा 0.001 पी बाई क्यू की फॉर्म में करना, तब क्या कितने नंबरों पे बार है, तीन नंबरों पे, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.001001001। अब तीन नंबरों पे है तो इसको तीन, जब तीन नंबरों पे हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दो पे 10 और तीन पे किससे करेंगे बेटा 1000 से करेंगे, और यहाँ पर भी 0.001001001 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1000 से। जब तीन नंबर रिपीट होते हैं, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीन, तीन नंबर रिपीट होंगे तो हम 1000 से करेंगे, दो होंगे तो 100 से करेंगे, और एक होगा तो 10 से करेंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन क्या बन रही, 1000x इक्वल टू 1.001001, ठीक है। याद रखना तीन नंबर जो 1000 से मल्टीप्लाई हुई तो तीन नंबर पॉइंट से आ गए, तो ये मेरी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हमारी जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है 1000x इक्वल टू 1.001001, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारी, वह x जो हमारी, ठीक है, जो ये तो सेकेंड क्वेश्चन थी, फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.001001। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है, और 001 तो मैंने आपको बताया था जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कॉमन नंबर है उन्हें हटा देंगे, वन से वन गया ये सब हट गए, ठीक है, जो नंबर एक जैसे होते हैं हट जाएंगे, तो इस तरफ क्या आएगा, और इस तरफ आएगा हमारा 999x, क्लियर है यहाँ तक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/999, तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये क्या आ गया 1/999, क्लियर है बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना है 0.99999 को p बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन अभी करे थे, ये उसका बस उल्टा क्वेश्चन है, होगा सेम तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन ऐसे है 0.9999 पी बाई क्यू में की फॉर्म, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट होगा 999, तो पहले लिख देंगे इसे x इक्वल टू 0.9999, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। मैंने बताया जब एक ही नंबर रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 10x टू 0.99999 इंटू 10, तो इधर आ जाएगा बेटा 10x और इधर आ जाएगा 9.9999, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम किससे, सेकंड से, फ्रॉम जो लगेगा उस इक्वेशन के बाद लगेगा, सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखेंगे 10x इक्वल टू 9.9999, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 0.99999, जो 9 फालतू का है वो भी, और जो 99 से सेपरेट हो रहा है वो भी काट देंगे, तो 10x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x और यहाँ हो जाएगा बेटा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9/9, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्लियर है क्वेश्चन बेटा। तो समझ आया आपको क्वेश्चन,